बदलती हुई नजर आ रही। इस बीच पटना से अहम खबर है, कल से बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र, 5 दिनों का ये मॉनसून सत्र होगा जिसकी शुरुआत होगी। विधानमंडल का मॉनसून सत्र दोनों सदन में और यहां कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के लिए सभी दलों की रणनीति तैयार है। सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई है। इसके साथ ही अहम बात यह है कि सत्ताधारी माले ने भी सरकार को घेरने का प्लान तैयार किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर सत्र हंगामेदार होने के आसार है। विपक्षी पार्टी बीजेपी तो इन मामलों को लेकर पहले ही बयान देती हुई नजर आ रही है कि हम सरकार को घेरेंगे। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो माले भी नाराज है और माले की तरफ से भी कई सवाल होंगे, कई तीखे सवाल हो सकते हैं। अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है, पर 10 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र जिसके हंगामेदार होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। मॉनसून सत्र से पहले सदन में क्या कुछ होता है, मॉनसून सत्र से पहले सदन के पहले सदन की कार्यवाही चलने से पहले सियासत गरमाई हुई। विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षा पास करते हैं और फिर कहा जाता है कि आप परीक्षा दीजिए। इन सारे मुद्दा को लेकर के हम लोग विधानसभा मार्च करेंगे और पूरे बिहार से लाखों की संख्या में कार्यकर्ता के साथ साथ इस बार हम लोग जो पीड़ित भी हैं, जो नौजवान हैं, छात्र है, जो अभ्यर्थी है, शिक्षक अभ्यर्थी है, शिक्षक से भी निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग आइए और इस जुल्मी सरकार के विरुद्ध में डटकर खड़े होइए। हम लोग पूरा गंभीर हैं इस सवाल पर। हम लोग शिक्षकों के साथ हैं और सरकार को हम बार बार एहसास कराते रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि उत्साह और आत्मविश्वास से चलता है, ये लाठी से नहीं चलाया जा सकता। तो हम विधानसभा में भी सरकार को कहेंगे कि शिक्षकों के उत्साह में कमी ना हो, इसलिए शिक्षकों के का जो डिमांड है, जो मांग है, उसको सरकार मान ले और जो नियमावली बनी है उस पर सरकार पुनर्विचार करे। ये बात हम बिहार विधानसभा में भी हम लोग उठाएंगे। सहयोगी सनी का रुख करते हैं, पटना से लाइव जुड़े हुए। सनी, मॉनसून सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है सियासत में, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। जी देखिए, 5 दिनों का चलने वाला ये सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे में कल से इसकी शुरुआत हो रही है। पहले दिन ज़्यादा घटनाएं नहीं होती है, यानी पहले दिन सदन का सत्र जो है वो सही तरीके से नहीं चल पाता है, कई तरह की बाधाएं पहले से ही सामने आती हैं। दूसरे दिन से जो सत्र है वो सही तरीके से नियमित रूप से चल पाती है, लेकिन पहले दिन हंगामे के आसार हैं। नई शिक्षक नियमावली, डोमिसाइल नीति, बिहार में रोजगार और बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार से सवाल पूछेगी। वहीं सरकार के जो दल हैं, सरकार में जो शामिल है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, वो केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर, केंद्र सरकार ने भी नई शिक्षा नीति को लेकर जो चर्चा की है उसको लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है, उसको लेकर भी राष्ट्रीय जनता दल मैदान में उतर सकती है। दरअसल राजद ने एक बैठक के जरिए केंद्र की नई शिक्षा नीति का आकलन किया और पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इस शिक्षा नीति में क्या खामियाँ हैं, और उसके आधार पर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बोलते हुए नजर आ सकते हैं, राजद के कई नेता नजर आ सकते हैं, जदयू के कई शिक्षक MLC यानी शिक्षक निर्वाचन से जो जीत कराते हैं वो मुखरता से बोलते हुए आपको नजर आ सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी 13 तारीख को जो है विधानसभा मार्च करने वाली है, उसको लेकर भाजपा पूरी तैयारी कर चुकी है। शिक्षकों ने 11 तारीख को धरना प्रदर्शन देने का जो फैसला लिया है गर्दनीबाग में, वो देखने को मिल सकता है। वहीं शिक्षकों का एक और गुट है जो विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन की बात कह रहा है, यानी स्पष्ट रूप से जो ये सत्र है काफ़ी हंगामेदार होने वाला है। सरकार के विपक्ष में जो दल हैं उनको तो छोड़ दीजिए, सरकार में शामिल जो दल हैं वो भी इस निश्चित तौर पर सनी मॉनसून सत्र से पहले विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ है जानकारी, और साथ में आपसे ये भी जानना चाहेंगे माले का रुख भी बदला नजर आ रहा है। जी देखिए, सबसे पहले विधायक दल की बैठक सभी दलों ने अपने अपने तरीके से बुलाई है, हालांकि अभी तक किसी दल ने बैठक की नहीं है। कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी, कल शाम में, कल दोपहर में, सुबह में, लगातार सभी दलों की अलग अलग अपनी अपनी बैठक चलेगी और रणनीतियों पर चर्चा होगी कि कल के बाद कैसे सत्र में वो अपनी पार्टी को लेकर और ख़ासतौर पर बिहार की जनता को लेकर मुखरता से बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या एजेंडा लाती है, भाजपा किन एजेंडों
पर आगे बढ़ती है। वहीं भाकपा माले ने तो स्पष्ट कर दिया है कि ये पहली बार मांग शिक्षकों के हित में भाकपा माले ने रखा, और उसके अलावे भाकपा माले के नेताओं ने मुख्यमंत्री से कई बार आग्रह किया है। कई बार जब चर्चा हुई है नई शिक्षक नियमावली को लेकर तो भाकपा माले मुखरता से बोलती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि नई शिक्षक नियमावली जो बिहार सरकार ने लाई है कई दलों से सहमति नहीं ली गई है। सरकार में राजद और जदयू के अलावा कई फैसलों में सभी दलों से सहमति नहीं ली जा सकती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मानसून सत्र में हंगामे की तस्वीर उभर कर सामने आ सकती है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सनी।